फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अरबी की बहुत ही चटपटी और मज़ेदार सब्जी, जो कि आपको खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। कुछ टिप्स और ट्रिक्स दिए हैं हमने, इसको फॉलो करें, आपकी भी सब्जी बहुत ही यम्मी बनेगी। फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। हमने लिया है यहाँ पर 1/2 kg अरबी, इसको हमने एक सीटी लगाकर कुकर में बॉयल कर लिया है। इसको ज़्यादा बॉयल ना करें, नहीं तो ये फट जाएगा। लहसुन और मिर्च इसको मैंने काट लिया है, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच के करीब मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच जीरा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अरबी को काट लेंगे इस तरह से, लंबा इस तरह से लंबाई काटना है। इस तरह से अरबी बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी, इसी तरह से काटें। मैंने सारी अरबी को इस तरह से लंबा काट लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया था तो हमने जीरा डाल दिया है। अब हम डालेंगे लहसुन और मिर्च, साथ में ऐड कर देंगे अरबी, एक एक करके डालेंगे। एक साथ सारा नहीं डालना है, नहीं तो एक ही पकने लगेगा आपस में। गैस को हमें हाई फ्लेम पर रखना है। इस तरह से अरबी की सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही चटपटी बनेगी। ये देखिए, मैंने इसको डाल दिया है सारा, एक के ऊपर एक नहीं डालना है। अब हमारी अरबी बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, बीच में हमने ऑयल में डाल दिया है। इसको थोड़ा सा मिक्स कर दें और गैस को हमें मीडियम फ्लेम पे कर देना है। इससे हमारी अरबी की सब्जी बहुत ही क्रंची बनेगी। इसी तरह से हमें मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है गोल्डन ब्राउन होने तक, और अच्छी तरह से हमें इसे गोल्डन ब्राउन करना है। तो थोड़ा और हम कुक करेंगे इसको। अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मिक्स कर लेंगे इसे। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि नमक आपको बाद में ही ऐड करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि नमक को हमें लास्ट में ही ऐड करना है। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी सब्जी बहुत ही अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गई है। तब हम इसी स्टेज पे इसमें ऐड करेंगे गरम मसाले। गरम मसाले को हम पहले इसलिए नहीं डाल रहे हैं कि मसाला हमारा जल जाएगा तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। टोटल मैंने 10 मिनट के लिए इसे कुक किया है। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी अरबी की सब्जी बिल्कुल क्रंची बनके तैयार हो गई है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। ये देखिए इतनी बढ़िया बनके तैयार हुई है। तो आप भी इस तरह से अरबी की सब्जी बनाएं, बहुत ही चटपटी बनेगी। इसके ऊपर डाल देते हैं थोड़ी सी हरी धनिया। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।